ग्राम पंचायत बरा में सरपंच और सचिव के द्वारा किए गए घोटाले की जांच की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे ग्रामवासी। ग्राम पंचायत बरा के लोगों के द्वारा वहां के सरपंच और सचिव के द्वारा महज कागजों में ही कार्य किया जाता है और गांव के विकास के नाम पर पैसों की लूट की जाती है। गाँव वालों ने सरपंच और सचिव पर वर्ष 2015-16 में 6,24,060 रुपये का गबन पीसीसी रोड के लिए, जिसका मूल्यांकन प्राप्त नहीं है, मुरम के नाम पर 2,00,000 रुपये निकालने, जबकि गांव की सड़कों में कहीं भी मुरम नहीं पड़ी है, जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामवासियों ने कई बार शिकायत कर उचित जांच की मांग की, परंतु कोई कार्यवाही ना होने से मंगलवार को गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है और कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हम लोग लगा उधर से आए। कितने लोगों का परिवार है? हमारे लोग कोठे के वास्ते आता, जितने आए गए हैं आधी वास्ते आदमी लोग बहुत हैं, 50-60 आदमी आए हैं। आप लोग देख रहे हैं, समझे में एरिया में से हुआ जन से, और हमारे वहाँ बहुत जनता अपनी इच्छाओं की आई, बार बार के बच्चा अंधेरे में सब लोग हम मरते हैं। हमारी विनते है और कुछ कि हम तक पानी चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, सब लोग को तो पैसा मिलता। हम बूढ़ा आदमी, हमको ना 60 साल मिलता ना कुछ मिलता, अंधेरे आदमी बूढ़ी बूढ़ी घर में बैठी है, हमको 60 साल मिली। सब लोग का मोदी सरकार देते, हम लोग का कुछ मोदी सरकार नहीं दे रही, सर क्या करें? कहाँ करिए, हम सर 60 सालों में नहीं मिलता है, आँख में नहीं दिखाता है, करिया नहीं चलता है, तो को देता है खाना? नाम है, हम लोगों को ठाकुर लोग पहले बसाए थे, पर हम लोगों को अब जबरदस्ती घर से निकाल रहे हैं। हम लोगों की बारी काट ली है, लैट्रिन बाथरूम सब छीन लिए, हम लोग कहाँ से जाएं? और सामने मध्य प्रदेश शासन सड़क है, हम लोगों को पूरा निस्तार ले लिए, तो हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं, हम लोगों को निकलने की जगह नहीं है। और जबरदस्ती हम लोग घर में आती है घुस के मारने, और उन लोगों को बुला के लाती है, जान से मारने की धमकी देती है और मारपीट करती है घर के अंदर। घर में मतलब जो ठाकुर लोग हैं वो घर में उनको कब्जा जब अभी क्या काम हो रहा है वहाँ पे, इनकी मतलब जो बारी है लोग रूल रहे थे वो काट दी गई, घर से निकाल रहे क्या, कब्जा कर रहे हैं? कहाँ जज दिया जाए? देखिए दादा, सरपंच जो है वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको जनता ने चुना है, तो उनको हटाए जाने की एक नियत प्रक्रिया है, धारा 40 या जिस भी धारा में वो बैठता होगा, ये पूरा जांच होके फिर धारा 40 का केस चल के ही सरपंच को हटाया जा सकता है। मैं सुनवाई एक साल से आवेदन दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है।